Good morning students, I am Ankita Gaur, your computer teacher from Yal Public School. Today we start a new chapter, chapter number 4, parts of a computer. And the key terms of this chapter is what is printer, हम इस चैप्टर के अंदर क्या क्या रीड करेंगे, जो भी आपके कंप्यूटर के पार्ट्स हैं उनके बारे में रीड करेंगे. ओके, वी हैव लर्न्ड अबाउट द फोर मेन पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर इन क्लास फर्स्ट. आपने क्लास फर्स्ट के अंदर फोर मेन पार्ट्स कंप्यूटर के बारे में रीड किया था. कौन कौन से थे? मॉनिटर था, माउस था, कीबोर्ड था, ओके, और सीपीयू. इन फोर पार्ट्स के बारे में आपने क्लास फर्स्ट में रीड किया था. ऑल द कंप्यूटर्स पार्ट्स वर्क टुगेदर एज अ ग्रुप. जितने भी कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं वो एक एज अ ग्रुप की तरह वर्क करते हैं. द फोर मेन पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर आर मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस एंड सीपीयू. जो कंप्यूटर के मेन जो फोर पार्ट्स है वो कौन कौन से हैं? कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर एंड सीपीयू. ओके, तो ये दिस इज अ कंप्यूटर. इसके अंदर दिस वन इज अ मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस एंड सीपीयू. ऑल द वर्क वी डू ऑन द कंप्यूटर डिस्प्लेड ऑन द मॉनिटर. आप कुछ भी वर्क करते हो कंप्यूटर पे तो वो सारा डिस्प्ले कहाँ पे होता है? मॉनिटर की स्क्रीन पे. ओके, वी टाइप लेटर्स, नंबर्स एंड सिंबल्स ऑन अ कंप्यूटर यूजिंग अ कीबोर्ड. अगर आपको कोई भी लेटर्स, नंबर्स और सिंबल्स का कंप्यूटर पे यूज करना है तो उसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? कीबोर्ड का यूज करते हैं. वी यूज अ माउस टू ड्रॉ एंड कलर पिक्चर्स एंड प्ले गेम्स. हम माउस का क्यों यूज करते हैं? हमें कोई ड्रॉ करनी है पिक्चर या कलर करना है तो उसके लिए हम लोग, या फिर गेम्स प्ले करना है तो उसके लिए हम लोग माउस का यूज करते हैं. द सीपीयू डज ऑल द कैलकुलेशंस फॉर अ कंप्यूटर एंड ऑल्सो कंट्रोल द वर्किंग ऑफ ऑल द अदर पार्ट. सीपीयू क्या करता है? इसके अंदर आपकी जितनी भी कंप्यूटर की वर्किंग है उसको पूरा कंट्रोल करके रखता है. ठीक है, इट इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर. इसको क्या कहते हैं? कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं. इट इज अ फिक्स्ड इनसाइड द सीपीयू बॉक्स. और ये कंप्यूटर की जो सीपीयू बॉक्स होता है उसके अंदर फिक्स्ड होता है. ओके, थिंक एंड आंसर्स, कंप्लीट द नेम्स ऑफ द मेन पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर. आपको इस नेम्स को कंप्लीट करना है, मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड एंड सीपीयू. ओके, लेट अस लर्न अबाउट सम अदर पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर. अब हम किसके बारे में रीड करेंगे? जो अदर पार्ट्स है कंप्यूटर के उनके बारे में. ओके, तो ये जो आपको टू दिख रहे हैं पार्ट्स वो कौन क्या है? स्पीकर्स है एंड दिस वन इज अ हेडफोन, दिस वन इज अ पेन ड्राइव, दिस इज अ सीडी या फिर डीवीडी कह सकते हैं अपने, दिस इज अ यूपीएस एंड दिस वन इज अ प्रिंटर. ओके, नाउ नंबर वन पार्ट इज प्रिंटर. द वर्क वी सी ऑन द मॉनिटर कैन बी सीन इन द प्रिंटेड फॉर्म विद द हेल्प ऑफ अ प्रिंटर. आपको अगर जो भी मॉनिटर स्क्रीन पे वर्क दिख रहा है अगर उसको आपको एज अ हार्ड कॉपी में, प्रिंट आउट में, अपने पेपर पे अगर कुछ प्रिंटिंग चाहिए तो उसके लिए हम लोग किसका यूज करेंगे? प्रिंटर का यूज करेंगे. द प्रिंटेड पेपर इज कॉल्ड द हार्ड कॉपी और प्रिंट आउट. जो प्रिंटेड पेपर होता है वो क्या कहलाता है? हार्ड कॉपी या फिर प्रिंट आउट. ओके, अ प्रिंटर कैन प्रिंट इन ब्लैक और इन कलर डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ प्रिंटर इट इज. आपके जो प्रिंटर होता है वो प्रिंटिंग जो करता है वो ब्लैक कलर में भी कर सकता है और कलर में भी कर सकता है. बट आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपका प्रिंटर किस टाइप का है. ओके, तो दिस इज अ प्रिंटर. नाउ नेक्स्ट वन इज सीडी एंड डीवीडी. टू स्टोर द वर्क दैट वी कैन हैव डन ऑन अ कंप्यूटर वी यूज अ सीडी और डीवीडी. आपके कंप्यूटर में जो भी वर्क स्टोर है उसको अगर आपको किसी और जगह स्टोर करके रखना है तो उसके लिए हम लोग किसका यूज कर रहे हैं? सीडी या फिर डीवीडी का. वी कैन सेव अवर पिक्चर्स, स्टोरीज, पोएम्स एक्सेट्रा. हम इस सीडी डीवीडी में क्या स्टोर कर सकते हैं? पिक्चर्स भी स्टोर कर सकते हैं, स्टोरीज स्टोर कर सकते हैं, पोएम्स स्टोर कर सकते हैं, ताकि हम कहीं और जाए वहां पे अगर हमें यूज करना हो ना तो हम उसको डीवीडी को प्ले कर देंगे उसमें ऑन अ सीडी और अ डीवीडी एंड कैन कैरी इट इन ऑन अवर बैग. और इजिली हम उसको क्या कर सकते हैं? कैरी करके अपने बैग में रख सकते हैं, बैग में कैरी इजिली कर सकते हैं. अगर आपको सपोज मैम ने स्कूल में कहा कि आज आपका डांस कॉम्पिटिशन है तो अपना सॉन्ग लेके आना, ओके, तो अब यू तो है नहीं कि आप अपने घर से अपना पूरा कंप्यूटर उठा के लाओगे. ओके, तो आपने किसमें कहा मम्मा से कि मम्मा मेरी सीडी या डीवीडी जो है ना उसके अंदर मेरा सॉन्ग आप इसमें अपलोड कर दीजिए, देन मैं उसको प्ले कर दूंगा स्कूल में जाके. दीज आर सर्कुलर इन शेप. और ये किस शेप में होती है? सर्कुलर शेप में होती है.
Now next one is pen drive. A pen drive is also used to store work. Pen drive भी किस लिए यूज हो रही है आपकी वर्क को स्टोर करने के लिए. A pen drive is so small in size that we can carry it in our pocket. जो सीडी डीवीडी होती है वो थोड़ी बड़ी होती है तो उसको हमें किसी बैग में या फिर उसमें रखना होता है पॉली बैग में, ठीक है. बट जो पेन ड्राइव होती है वो इतनी स्मॉल होती है हम उसको इजिली अपने पॉकेट में रख सकते हैं. अब पेन ड्राइव इज ऑल्सो कॉल्ड यूएसबी ड्राइव. पेन ड्राइव को हम लोग यूएसबी ड्राइव भी कहते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज स्पीकर्स. स्पीकर्स आर यूज्ड टू लिसन टू म्यूजिक एंड सॉन्ग्स फ्रॉम द कंप्यूटर. अगर आपने कंप्यूटर से स्पीकर्स को ऐड कर रखा है तो आपके जो सॉन्ग्स कंप्यूटर में प्ले हो रहे हैं तो हम इसको इजीली स्पीकर्स में उसका म्यूजिक सॉन्ग आपको सुनाई देगा. स्पीकर्स गिव आउट लाउड साउंड. जो आपको अगर तेज म्यूजिक में लाउड में अगर कुछ आपको सुनना है तो उसके लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, स्पीकर्स का यूज करेंगे. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज हेडफोन्स. हेडफोन्स आर ऑल्सो यूज टू लिसन टू म्यूजिक एंड सॉन्ग्स फ्रॉम द कंप्यूटर. हेडफोन्स का क्या यूज है, जो भी आपको म्यूजिक सुनना है आपको तो उसके लिए हम लोग किसका यूज कर रहे हैं, हेडफोन का यूज कर रहे हैं जो कंप्यूटर से कनेक्ट है. हेडफोन्स आर वॉर्न ऑन द हेड. हेडफोन्स कहाँ पे लगता है, अपने हेड पे लगाते हैं. देखिए किस तरीके से इस गर्ल ने अपने हेड पे लगा रखा है हेडफोन को. ओके, we use them when we do not want other to get disturbed with the sound. हम इनका कब यूज करते हैं, जब हम चाहते हैं कि हमारे पास में जो भी बैठा हुआ है वो डिस्टर्ब ना हो तो उसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, हेडफोन्स का. और अगर आपको लाउडली म्यूजिक सुनना है तो उसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, स्पीकर्स का. ओके, नाउ लास्ट वन इज यूपीएस. यूपीएस इज अ डिवाइस दैट कीप्स द कंप्यूटर ऑन फॉर समटाइम्स व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी गोज ऑफ. अभी कभी जैसे अपने एकदम से अचानक आप लोग कंप्यूटर पे वर्क कर रहे हो, ओके, और एकदम से आप क्या हो गई है, लाइट इलेक्ट्रिसिटी चली गई है. ओके, तो अगर आपका यूपीएस उसके अंदर होगा, कनेक्ट होगा, तो आपका वर्क जो है आप कंप्यूटर पे कर रहे हो तो आपका कंप्यूटर स्विच ऑफ नहीं होगा. ओके, द फुल फॉर्म ऑफ यूपीएस इज अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई. सो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 4 इज कंप्लीटेड. इन नेक्स्ट मीटिंग वी डू बुक सम बुक एक्सरसाइजेस. ओके, टेक केयर, बाय बाय.